मैंने आपको नोट भी करवा दिया कि अगर एक बॉल का मोमेंटम एम वी है और टकरा के वापस मोमेंटम भी एम वी है तो चेंज मोमेंटम बोलो कितना, 2 mv, याद हो गया राइट। इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन में मास किसी भी बॉडी का 150/1000 kg है, गिवन है। अब वेलोसिटी इनिशियल वेक्टर फॉर्म में गिवन है, स्केलर नहीं है, वेक्टर है, आई कैप जे कैप। फाइनल वेलोसिटी भी वेक्टर है, आई कैप जे कैप। आपको क्या करना है, चेंज इन मोमेंटम वेक्टर निकालना है। चेंज इन मोमेंटम वेक्टर क्या होगा, फाइनल मोमेंटम वेक्टर, देखो वेक्टर तो वेक्टर बोलना पड़ेगा, फाइनल माइनस इनिशियल मोमेंटम वेक्टर, m कॉमन आ गया, m की वैल्यू गिवन है, वेलोसिटी वेक्टर फाइनल पता है v1 v वेक्टर और इनिशियल वेक्टर भी पता है, माइनस करके आंसर आ गया। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, कुछ भी नहीं कहा, वेक्टर है तो वेक्टर पुट कर दिया, स्केलर होता है तो स्केलर पुट कर देते। ये एक क्वेश्चन है जिसके अंदर एक सिलेंडर गिवन है, आपको सिलेंडर ये तो सर्कल या स्फेयर लग रहा है ना, ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन है, ऐसे नहीं डायग्राम ऐसे है, तो आपको सर्कल दिखेगा और इसके ऊपर एक वायर है ऐसे, ये स्ट्रिंग है और दो मास लगे हुए हैं, एक इधर और एक इधर ऐसे, तो अगर ये मास भारी हो गया तो सिलेंडर ऐसे हो जाएगा और अगर ये भारी हो गया सिलेंडर ऐसे हो जाएगा, कोई तो लेके जाएगा। पर क्वेश्चन में गिवन है ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, ना इधर को जा रहा है ना इधर जा रहा है, रेस्ट पे है, और अगर ये रेस्ट पे है तो वर्टिकल के साथ इस ब्लॉक ने एंगल थीटा बनाया, तो आंसर निकाल लो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, ये क्वेश्चन है, साइन थीटा निकालना है। तो मैं इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करता हूँ, जैसे सपोज आपके पास एक सिलेंडर है, ये रहा एक सिलेंडर, ये रहा, ठीक है, तो आपके पास एक सिलेंडर है ये रहा, यहाँ पर ब्लॉक है, एक ब्लॉक ये रहा जिसकी वैल्यू क्या है, M1 है, चेक कर लो यही है ठीक, और एक ब्लॉक यहाँ कहीं पर है जिसकी वैल्यू क्या है, M2, और ये फर्दर एक रस्सी से बने हुए हैं कुछ ऐसे, जो सिलेंडर के ऊपर से ऐसे पास हो रही है, ऐसे ये ऐसे पास हो रही है राइट, ऐसे। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, तो ये डायग्राम है, रस्सी आपको टाइट मिलेगी तो रस्सी में क्या होगी, टेंशन। कोई भी चीज अगर इस तरीके से गोल है और टेंस है, देखो तो रस्सी चाहती नहीं कि गोल होना, रस्सी तो टाइट स्ट्रेट ही होएगी, प्रॉब्लम ये है कि सिलेंडर गोल है तो गोल के ऊपर गोल ही निकलेगी। तो यहां पर अगर टेंशन ड्रॉ करनी है तो प्लीज ऐसे मत ड्रॉ करना टेंशन, आप कहीं सोचोगे ये टेंशन T1 है और ये टेंशन T पेयर है, ऐसे ना, टेंशन एक वेक्टर है और वेक्टर कभी गोल नहीं होता, स्ट्रेट होता है। तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर अगर मुझे टेंशन ड्रॉ करनी है, ड्रॉ अ टेंजेंट टी ऐसे, इसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ अ टेंशन टी ऐसे, ये वेक्टर है ना तो वेक्टर स्ट्रेट जाता है हमेशा, तो टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा, क्लियर है यहाँ तक, तो ये पॉइंट सबको समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर इस स्ट्रिंग में टेंशन होगी, टेंशन की वैल्यू जैसे यहाँ पर ड्रॉ करनी है तो ड्रॉ अ टेंशन वेक्टर टी, ऐसे यहाँ पर ड्रॉ करनी है टेंजेंट टी, क्या स्टेप क्लियर है, मैग्नीट्यूड टेंशन का पूरी स्ट्रिंग में सेम रहेगा। इसका इस क्वेश्चन को करने से पहले एक नया कॉन्सेप्ट और सीखो, वो ये कि अगर आपको कोई भी स्फेयर या सर्कल गिवन है और मैं ये कहूँ कि ड्रॉ अ परपेंडिकुलर, इसकी सरफेस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, तो परपेंडिकुलर मतलब ये एंगल क्या होगा, 90। तो रूल है कि ये परपेंडिकुलर हमेशा कहाँ से पास करेगा, इस स्फेयर के सेंटर से। ये ऑप्टिक्स में भी क्या करते थे आपको याद हो, मुझे पता नहीं नॉर्मल्स याद है, ये नॉर्मल बोलते हैं इसे, नॉर्मल हमेशा कर्व सरफेस के सेंटर से पास होता है। या आपने कब किया, रिफ्रैक्टिंग सरफेस की होगी आपने या मिरर्स किए होंगे, कर्व्ड कन्वेक्स कनकेव, तो उसका नॉर्मल सेंटर से पास होता है, ये रहा सेंटर। उसी तरीके से कोई अगर यहां ड्रॉ करे नॉर्मल तो वो सेंटर से ही पास होगा, कोई यहां ड्रॉ करे, कोई यहां ड्रॉ करे, कोई यहां, जहां मर्जी कर लो, अगर नॉर्मल है सेंटर से ही पास होगा, ये रूल है। तो मैं ये क्यों करवा रहा हूं, मैं ये इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि देखो इसके अंदर अब क्या करने वाला हूं मैं, देखो तो इसके अंदर सपोज करो मैं यहां पर ड्रॉ करता हूं एक नॉर्मल, नॉर्मल तो ये एक नॉर्मल है जो सेंटर से पास कर रहा है
और ये एक नॉर्मल है, ये देखो ये नॉर्मल टू द सरफेस ऐसे ड्रॉ करना चाहता हूँ जो ब्लॉक के अंदर से जाएगा। तो मैं मेरे को इस क्वेश्चन में ये जो एंगल है वो क्या गिवन है, थीटा, और इसको देखते हुए मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन थीटा, ये क्वेश्चन है। रूल नंबर वन, इसके अंदर इसका जो वेट है वो कहाँ ऐड करेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड्स, कितना करेगा, एम वन जी। इसका वेट भी कहाँ ऐड करेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड्स, कितना, एम टू जी। तो अगर ये थीट है तो ऑल्टरनेट एंगल से ये भी थीट है, तो अगर ये थीट है, अगर ये थीट है और वेट एम जी है, तो एम जी के दो कॉम्पोनेंट्स होंगे, एक एम वन जी कॉस थीटा और एक एम वन जी साइन थीटा, ऐसे। तो ये क्या बनेगा, एम वन जी कॉस थीटा और ये क्या बनेगा, एम वन जी साइन थीटा। अब ऑब्वियसली एम वन जी कॉस थीटा के बदले में क्या मिलेगा, यहां पर नॉर्मल रिएक्शन एन। आपको ऐसा फील तो नहीं आ रहा जैसे इंक्लाइन पेन कर रहे हो, सोचो अगर ये पोर्शन सिर्फ इंक्लाइंड होता, सेम ही तो कर रहे हो, एम जी, एम जी कॉस थीटा, एम जी साइन थीटा। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता सरफेस गोल है, सरफेस स्मूथ है या स्ट्रेट है, कॉन्सेप्ट वही लगता है, एम जी कॉस थीटा, एम जी साइन थीटा। तो कौन सी फोर्स इसको नीचे लेके आ रही है, एम जी साइन थीटा, राइट। तो ये टर्म आ गई। अब ये बताओ क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में स्ट्रेट वे ये गिवन है कि ये रेस्ट पे है, अगर ये इक्विलिब्रियम पे है सिस्टम, इक्विलिब्रियम का रेस्ट है, तो ऊपर की फोर्स टी मस्ट बी इक्वल टू नीचे की फोर्स एम टू जी, क्या स्टेप क्लियर है। तो ये ब्लॉक नीचे क्यों आ रहा है, कौन सी फोर्स नीचे लेके आ रही है, एम वन जी साइन थीटा, और कौन इसके ऑपोजिट है, टी, तो टी इज इक्वल टू एम वन जी साइन थीटा, कोई डाउट इसमें। तो अगर आप इन्हें इक्वेट करें, इक्वेट करें तो एम वन जी इज इक्वल टू एम टू जी, तो यहां से साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, एम टू डिवाइडेड बाय एम वन। ऑब्जेक्टिव आएगा, एनसीईआरटी में नहीं आएगा, आएगा तो किसी कंपटीशन में आएगा, तो कैसे करने समझ में आ रहा है, और ये आएगा भी नहीं आएगा मुझे ये भी नहीं बताया, आज तक तो आया नहीं, पर कॉन्सेप्ट है, देखो कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन ऐसे याद नहीं कर सकते आएगा कि नहीं आएगा, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि कैसे लग रही है फोर्सेस, राइट।